प्री इंडिपेंडेंस से आसाम में ऐसा एक महल है जिस महल में हर रोज आसाम से फॉरेनर्स को भगाना है ऐसे जाते रहते हैं। लेकिन कौन कौन फॉरेनर है उनको तो आइडेंटिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करके आसाम का जितना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, आसाम का जितना रिलीजियस माइनॉरिटीज लोग हैं, उन लोगों का ऊपर दुरुप चला रहा था। ये बहुत लंबा बात होगा, मैंने 15 मिनट्स में मुझे अलर्ट किया है। फॉर्चुनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आसाम का इस मुद्दे को पिकअप किया। 2012 में आसाम सम्मिलित महासंघ बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था, और 2009 में आसाम पब्लिक वर्क्स बोल के एक एनजीओ ने एक पिटीशन फाइल किया था। उस आसाम पब्लिक वर्क्स जो पिटीशनर था उस केस में सुप्रीम कोर्ट से ये लोग मांग रहा था आसाम का भूटान लिस्ट में 42 लाख इलीगल बांग्लादेशी लोगों का नाम इंक्लूड है। 42 लाख इलीगल बांग्लादेशी लोगों का नाम काट के 2011 का जो आसाम असेंबली का जनरल इलेक्शन है उस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए ये लोग एक प्यार डाला। लेकिन इलेक्शन तो पार हो गया, इलेक्शन पार होने के बाद उन लोगों का पिटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर उन लोगों ने एक सजेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आसाम में अगर एनआरसी बन जाएगा तो अब जो जितना इलीगल लोग है, इलीगल फॉरनर लोग है, उन लोगों का आइडेंटिफाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिकअप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दिया है, डिविजन बेंच ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई और ऑनरेबल जस्टिस रोहितन फोली नरीमन का जो डिविजन बेंच था उस डिविजन बेंच से एक जजमेंट दिया था। उसी जजमेंट के मुताबिक आसाम में एनआरसी का काम शुरू हुआ था, और एनआरसी के काम में आसाम का हर लोगों ने हम लोग पूरा कोऑपरेशन किया है। इसीलिए कोऑपरेशन के हमने पहले बोला कि अगर सही ढंग से करेक्ट या एनआरसी बन पाएगा तो हमारा आसाम का जो फॉरेनर्स इशू है इशू वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में ये एनआरसी का काम चलेगा। इसीलिए हमारा भी विश्वास था कि इस प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, 31 अगस्त 2019 में जब एनआरसी पब्लिश हुआ है फाइनल एनआरसी, इसी में देखा गया 19,06,657 लोगों का नाम एनआरसी में इंक्लूड नहीं हुआ। फिर जब हम लोग गाँव गाँव में जाके इसको वेरीफाई किया है कि किसका नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो हमारा ये सब पता चला गया। जैसे बोल के गया हमारे यहाँ जब बाप का नाम आया है, माँ का भी नाम आया है, बच्चा का नाम नहीं आया। एनआरसी का जो मॉडलिटीज प्रिपेयर किया था, एसओपी प्रिपेयर किया था, उस एसओपी में एक बात था, अगर कोई बच्चा 14 ईयर्स का कम का उम्र का है, बिलो 14 ईयर्स का है, अगर उनका माता जी और पिताजी का नाम एनआरसी में इंक्लूड हो गया तो उनका बिलो 14 ईयर्स जितना लोग है सारे लोगों का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ माता जी और पिताजी वर्बली बोलेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। सिर्फ माता जी और पिताजी का विटनेस के ऊपर डिपेंड करके इन लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग गाँव गाँव में जाके जो हमारा पता चला है, बहुत सारे ऐसा बिलो 14 ईयर्स बच्चा लोगों का नाम एनआरसी में इंक्लूड नहीं कर दिया। क्यों नहीं कर दिया, ये आर्बिट्ररी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अलर्ट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट कोऑर्डिनेटर अपॉइंटमेंट किया था प्रतीक खजाला को, प्रतीक खजाला के अंडर 52,000 आसाम गवर्नमेंट का ऑफिसर था। उसी ऑफिसर के बीच में ऐसा कुछ ऑफिसर था जो लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाहते थे, और इसीलिए ये ऑफिसर लोगों ने कोई कोई जगह पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया है जो एसओपी उन लोगों ने वायलेशन किया है। एसओपी में क्लियर कट लिखा हुआ, जिस एसओपी सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल था उसी एसओपी के मुताबिक ये बच्चा लोगों का नाम इंक्लूड होना चाहिए था। नंबर टू, वो लोगों ने क्या किया है, बाप का नाम इंक्लूड करके बेटा का नाम इंक्लूड नहीं किया है, सेम लीगेसी डाटा यूज किया है। लीगेसी डाटा क्या है, एनआरसी के काम शुरू होने के पहले एनआरसी ऑथोरिटी ने हमारा आसाम का जो पहले एक बार एनआरसी बन पाया था 1951 में, उस 1951 का एनआरसी का कॉपी को डिजिटाइज करके उन लोगों ने एक सिस्टम बना दिया था, कंप्यूटराइज कर दिया था, जिसका नाम 1951 एनआरसी में
1971 का कितना ब्रूटलिस्ट था असम पे, सारे ब्रूटलिस्ट को डिजिटाइज करके कंप्यूटराइज कर दिया और सारे लोगों ने जिसका जिसका नाम 1971 तक पब्लिश हुआ जितना ब्रूटलिस्ट है उसी ब्रूटलिस्ट में है तो वो निकल पाएगा, निकल पाएगा। सेम लिगेसी डाटा, लिगेसी कोड ये यूज करके एक फैमिली का से बंदा ने एप्लीकेशन किया था, उसी से पांच लोगों का नाम आया, एक लोगों का नाम नहीं आया। किसी फैमिली में जो तीन 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 बंदा का नाम आया है, बाकी तीन बंदा का नाम नहीं आया है। तो हम लोगों ने जब इसमें एनालिसिस किया है क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारा क्लियर कट हो गया उस ऑफिसर में, इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहते थे और हमारा ऐसा डाउट हो रहा है, ऐसा आसाम में ऐसा कोई एक पक्ष है जिस पक्ष ने ऐसे सिलसिलाते रहते हैं एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होने से असम का इस मुद्दा खत्म हो जाएगा और तब हम लोग असम का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोच पाएंगे। लेकिन ये मुंह से बोलते हैं बोलते हैं, लेकिन अंदर से लोगों का इरादा है ये मुद्दा खत्म नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। इस मुद्दा जिंदा रहने से उन लोगों का पॉलिटिक्स करना आसान हो जाएगा, पॉलिटिक्स करना आसान हो जाएगा। असम में जितने सरकार आया है हम लोगों ने जितने देखा है सारे सरकार इसी मुद्दे पे आसानी से उन लोगों ने ये सरकार बना पाया है। इसीलिए इस मुद्दे को खत्म नहीं करने के लिए ऐसा घर पूरे पूरा ऑफिसर लोगों को मिस यूज करके ऐसा कर दिया। डिस्पोजिंग ऑफिसर जिसको बोल रहा है, डिस्पोजिंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया कि आप आइए आपका हेयरिंग होना लेना है। मैंने दिया मेरा सारे डॉक्यूमेंट हमने दिखाया, दिखाने के बाद डिस्पोजिंग ऑफिसर ने मुझे अलाउ कर दिया कि यस यू आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन एनआरसी। उन्होंने ऑर्डर पास करके लिस्ट बना के उनके ऊपर 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 वाला ऑफिसर तक पुलिस भेज दिया। लेकिन अभी क्या हो गया, जो हमारा वहाँ जो हायर थी ऑफिसर ऑफिसर लोगों का, पहले तो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उसका नीचे है डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीएम डीआरसी बोलते हैं एनआरसी पे, उसका नीचे तहसील तक सातवें ऑफिसर लेवल में उसको बोलते हैं सीआरसीआर और उसके नीचे है एलआरसीआर लोकल रजिस्ट्रार और लोकल रजिस्ट्रार लेवल में डिस्पोजिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया था। डिस्पोजिंग ऑफिसर और एलआरसीआर ने जिस लोगों को अलाउ कर दिया था ऊपर में सीआरसीआर ने उसी भी उसी लिस्ट से कुछ लोगों का नाम काट दिया। उसे जब सीआरसीआर ने डीएम लेवल तक सबमिट कर दिया और डीएम लेवल से कुछ लोगों को वहां से काट दिया। काट देने से क्या होता है, जब उनको एक्सक्लूजन लिस्ट में दे दिया एक रिजेक्शन ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है, रिजेक्शन ऑर्डर जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसको वो पास करने का वो ऑथराइज ऑफिसर है डिस्पोजिंग ऑफिसर। जब डिस्पोजिंग ऑफिसर को फिर बुला के बोल रहे हैं ये लोगों का नाम हम लोगों ने काट दिया, आप लोग इन लोगों के लिए स्पीकिंग ऑर्डर पास कीजिए, अभी डिस्पोजिंग ऑफिसर ने इग्नोर करा है, हम तो नहीं करेंगे, हमने इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई करके हमने अलाउ किया था, आपने काटा है आप इनका स्टेकिंग ऑर्डर पास कीजिए। ऐसा एक हमारा भी फिलहाल चल रहा है, उन लोगों को बीच में भी लग गया और इसीलिए 31 अगस्त में फाइनल एनआरसी पब्लिश हुआ है। आज 2 नवंबर है, 2 महीने 2 दिन हो गया, अभी तो किसी को किस लिए उनका नाम काटे हो गया, उनका नाम एनआरसी में इंक्लूड नहीं हुआ, उनका उनको रिजेक्शन ऑर्डर दे नहीं दे पा रहा, ये एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारा। नंबर 3, जब सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी इज बाउंड टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। अभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने और आईएमटी ट्राइब्यूनल ने बहुत सारे लोगों को इंडियन डिक्लेयर कर दिया, उन लोगों के पास इंडियन डिक्लेरेशन का जजमेंट भी है, उस जजमेंट में उन लोगों ने हियरिंग का टाइम में उन लोगों ने सबमिशन भी किया था, लेकिन असल इन लोगों का नाम नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों का नाम एनआरसी में इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, ये तो इंडियन है, ये ट्राइब्यूनल ने उनको जजमेंट दिया है, लेकिन जो जो ऑफिसर एनआरसी में जुड़ा हुआ था उन ऑफिसर ने इन लोगों को इग्नोर कर दिया, नहीं होगा नाम नहीं आया। अभी इस लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट का और एक डायरेक्शन है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, अगर एक बार आपको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया नहीं तो इंडियन डिक्लेयर कर दिया, आप दोबारा वहां जा नहीं सकते। अभी जो प्रोसेस है, अभी का प्रोसेस है अपील में हम लोग कहां जाएंगे, अपील में भी हम लोग फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाने का बात है। जब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में हम जाएंगे ये जितना लोग है जितना लोगों को इंडियन डिक्लेयर कर दिया है पहले, ये लोग अभी ना फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जा पा रहा है ना इन लोगों का नाम इंक्लूड हो रहा है, अभी क्या करना है, ये एक बड़ा मुद्दा अभी है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास इंडियन डिक्लेरेशन का हस्बैंड भी है। हमारा था और एक प्रॉब्लम है डी बूटा 1997 में असम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन किया था जे असम का जितना इलेक्टोरल रोल है सारे इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन किया है, रिवीजन होने के बाद कुछ लोगों के नाम पे डी लगा दिया, डी मार्किंग कर दिया, ना ये लोग इंडिया सिटीजन है ना ये लोग फॉरेन है, डाउटफुल बोल के 1997 से आज तक ऐसे बहुत सारे लोग थे। आज तक कम से कम 1 लाख लोगों के नाम पे डी उठा है, डी लगा हुआ है जिन लोगों का सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। अभी तो कोई फॉरेन स्टैंडर्ड से कोई नोटिस नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिन लोगों का नाम पे डी मार्किंग है उन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आएगा। दे कैन ओनली अप्लाई फॉर इंक्लूजन देयर नेम इन द एनआरसी बट देयर नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड अंटिल एंड अनलेस फॉरेन स्टैंडर्ड विल नॉट क्लियर बाय देयर एज इंडियन सिटीजन। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 2013 का। अभी ये लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन लोगों का नाम नहीं आया। अभी अपील के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन स्टैंडर्ड ऑर्डर 1964 को अमेंडमेंट किया है 2 बार 2019 में 2 बार अमेंडमेंट किया है। हाँ, कैसे जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया नहीं इंक्लूड हुआ है उन लोगों ने कैसे अपील फाइल करेगा फॉरेन स्टैंडर्ड में। ये सारे प्रोसेस उन लोगों ने जो अमेंडमेंट 2 बार अमेंडमेंट किया है एक दोनों अमेंडमेंट में लोग इंक्लूड किया है लेकिन डी मोटर जिन लोगों का नाम पे लेफ्ट साइड में डी मार्किंग है ये डी मोटर में क्या करेगा अपील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इस मुद्दे पे कोई बात अमेंडमेंट ऑर्डर में नहीं इंक्लूड किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डी मोटर के मुद्दे पे अपील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इस मुद्दे पे बोल रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है ना एनआरसी अथॉरिटी ने बोल रहा है कि इसी मुद्दे पे लगभग 1 लाख डी मोटर और उन लोगों का जितना डिसेंडेंट है लगभग मान लीजिए 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख लोगों का 4 लाख लोग अभी डी के चक्कर पे अभी प्रॉब्लम में है ना ये लोग अपील कर पाएगा ना ये लोग उन लोगों को अपील करने के लिए अलाउ कर रहा है ना ये लोग अपील नहीं करने के लिए बोल रहा है अभी बीच में हैंगिंग है ये। नंबर 4 मैं बोल सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में बोल रहा था जब यू कैन चेंज योर लीगेसी डॉक्यूमेंट बट यू कैन नॉट चेंज योर लीगेसी डाटा लीगेसी पासवर्ड। ये एक मुद्दा है हमने जो मेरा जो लीगेसी डॉक्यूमेंट हमने यूज किया है मान लीजिए मेरा दादाजी का डॉक्यूमेंट हमने यूज किया था मेरे एक इलिटरेट लोग हूँ मुझे पता नहीं ये जो जिस नाम मान लीजिए मेरे दादाजी का नाम ममता सुद्दीन मैंने एक कंप्यूटर दुकान में गया था जो मेरे ममता सुद्दीन मेरा दादाजी है आप मेरा लीगेसी डॉक्यूमेंट निकाल दीजिए कंप्यूटर से उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरा तो कोई मैं इलिटरेट लोग हूँ मेरे इसे मेरे जानकारी नहीं आते मैं इसको सबमिट करके एप्लीकेशन कर दी 2015 में एनआरसी जब हियरिंग हुआ है हियरिंग में ये 50 साल ये मेरा दादाजी नहीं है ये दूसरा फैमिली का दादाजी है उन लोग आ गए उन लोगों ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा के वो सबमिट कर दे ये ममता सुद्दीन उन लोगों का है ये मेरा नहीं है तो मेरा नाम ड्राफ्ट एनआरसी में नहीं आया। मैं क्लेम एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जब उनका मौका दिया था उसी टाइम हमने मेरा जो एक्चुअल ममता सुद्दीन मेरा जो एक्चुअल दादाजी है उनका डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया है सबमिट करके मैंने क्लेम एप्लीकेशन फाइल किया हुआ लेकिन असल में क्या हो गया जब फाइनल एनआरसी निकला फाइनल एनआरसी मेरा नाम नहीं आया क्यों नहीं आया ये तो मेरा एक्सपीरियंस का अधिकार है लीगेसी डाटा और उसी लीगेसी डाटा और उसी लीगेसी डॉक्यूमेंट से मैंने लिंकेज किया है अभी तो मेरा नाम तो आना चाहिए था लेकिन नहीं आया ये आर्बिट्ररी है और इसी मुद्दे लेकर अभी एक प्रॉब्लम है जो एनआरसी अथॉरिटी ने रिजेक्ट किया है ये फॉरेन स्टैंडर्ड जब हम अपील में जाएंगे अपील में फॉरेन स्टैंडर्ड ये मानेगा कि नहीं मानेगा ये बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क है। ये मतलब मैं पहले भी ममता सुद्दीन दिया था दोबारा भी ममता सुद्दीन दिया था ये कौन सा ओरिजिनल है कौन सा एक्चुअल है मैं तो बार बार मुझे सेकेंड टाइम जो दिया रहा हूँ ये मेरा एक्चुअल है लेकिन ये मानेगा कि नहीं मानेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा और एक मुद्दा है इसी इशू में हमने ममता सुद्दीन मेरा दादाजी का नाम के मेरा डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया था लेकिन ये गलती से मेरा नहीं है लेकिन अगर मेरा दादी जी का अगर डॉक्यूमेंट मुझे देने के अलाउ कर रहा था तो मैं ये सबमिट कर सकता हूँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि यू कैन चेंज योर लीगेसी डॉक्यूमेंट बट यू कैन नॉट चेंज द लीगेसी पासवर्ड।
अभी दादा जी का नाम चेंज करके मैं दादी जी का डॉक्यूमेंट हम सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक प्रॉब्लम है। कोई लोगों ने उनका पिताजी का जो हायरार्की है उस पे डॉक्यूमेंट में थोड़ा स्पेलिंग स्पेलिंग ऐसे मिस्टेक था, इसीलिए उन लोगों ने चला रखा। उन लोगों ने माताजी का सिलसिला में उन लोगों ने डॉक्यूमेंट देके उन लोगों का नाम आ गया। लेकिन अभी क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग है जो जिनका पिताजी का सिलसिला में डॉक्यूमेंट थोड़ा थोड़ा मिस्टेक था, ऐसा स्पेलिंग थाने बोल के गया, स्पेलिंग मिस्टेक था, थोड़ा एस का और थोड़ा इंक्रीमेंट नहीं था, लेकिन माता जी का पूरा ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का डायरेक्शन थे उसी डायरेक्शन से अभी माता जी का भी अलाउ नहीं हो रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन 19,6,657 में ज्यादातर लोग मैक्सिमम लोग इंडिया सिटीजन है, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट यूज करके बाकी सारे लोगों का नाम आ गया, कुछ कुछ लोगों का नाम नहीं आया, इसीलिए 19 लाख हो गया। और एक मुद्दा है जो सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 3 में जो बाय बार्थ का इशू है, उसी इशू को बाय बार्थ 1987 तक हर लोगों का नाम एनआरसी में इंक्लूड होना जरूरी है। लेकिन इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन ने फाइल किया था और इसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अभी एक पेंडिंग है जो हजार सेक्शन 3 विल एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ असम और नाउ, ये पेंडिंग कर दिया। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 3 का 3-1 A, B, C ये 3-1 A, B, C एप्लीकेशन एप्लीकेबल अप्लाई नहीं किया है, लेकिन 3 C अप्लाई किया है। कैसे किया है, अगर मान लीजिए किसी का पिताजी का नाम एनआरसी में नहीं आया, माताजी का नाम आ गया, किसी का नाम पिताजी का नाम आ गया, माताजी का नाम नहीं आया, फिर भी जो जो सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 3-1 C में जो लिखा हुआ है 2004 3 दिसंबर के बाद इसका जन्म होगा, उसी में एक ऐसा लिखा हुआ है कि आपका पिताजी नहीं माताजी से एक तो इंडियन होना चाहिए और एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मूला को वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक का नाम आ गया, दूसरा का नाम नहीं आया, दूसरा इलीगल माइग्रेंट लोगों ने एप्लीकेशन में लेके बच्चा लोगों का नाम काट दिया। ये थोड़ा ये डायरेक्ट आर्बिट्री है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा एग्रेस सर भी है, कुशन भूषण सर भी है, बहुत सारे लीगल फैटर्निटी है, आप लोग इसी मुद्दे पे हम लोगों को सजेशन करना चाहिए कि हम लोग कैसे हम लोग इसी मुद्दे को सोल्व करके बाकी जितना लोगों का नाम नहीं आया वो लोग इंडियन सिटीजन है, इन लोगों को हम लोग अपील करके इन लोगों को हम लोग बचा सकता है। इसी मुद्दे पे थोड़ा लीगल सजेशन हम लोगों को चाहिए। और बाकी एनआरसी यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है वीक एंड कैटास्ट्रोफी। पहले हम लोग मांग रहा था एनआरसी होना चाहिए, इसीलिए सही है प्रॉब्लम को वंस फॉर ऑल सोल्यूशन करने के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए नहीं, ये प्रॉब्लम जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहा है। एनआरसी में कौन लोग एप्लीकेशन करेगा, हमारा आसाम में जो स्पेशल प्रोविजन है एप्लीकेशन करने के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए है हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन करेगा। हाउस टू हाउस में जाके ऑफिसर लोगों ने लोगों को कुछ के नाम लिख के लगे आएगा। लेकिन हमारा आसाम में क्या एप्लीकेशन करने के लिए, एप्लीकेशन हमने कर दिया, एप्लीकेशन कौन करेगा, जो इंडियन सिटीजन है जिसका पास डॉक्यूमेंट है वो करेगा, जो फॉरेनर है एक्चुअली फॉरेनर है वो जो एप्लीकेशन नहीं करेगा। अभी ये लोग चिल्ला रहे हैं, वो सारे लोगों ने चिल्ला रहे हैं कि हम लोगों का एक्सपीरियंस 40 लाख लोगों का नाम ड्रॉप होगा, 50 लाख लोगों का नाम ड्रॉप होगा, अभी 19 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ है, इसी में मैक्सिमम इंडियन है, ये तो गलती बात नहीं है। जो इंडियन सिटीजन है वो ही एप्लीकेशन किया है, जो फॉरेनर लोग नहीं है वो एप्लीकेशन नहीं किया है। फॉरेनर्स को डिटेक्ट करने के लिए तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, जिन लोगों का नाम एनआरसी में आ जाएगा वो तो आ गया, वो इंडियन हो गया। जिन लोगों का नाम नहीं आएगा और जो एप्लीकेशन नहीं किया है उन लोगों को डिटेक्ट करना है। असम गवर्नमेंट का एक पुलिस का डिपार्टमेंट भी है, बॉर्डर पुलिस, वो बॉर्डर पुलिस वो आइडेंटिफाई करेगा। किसी से मान लीजिए मुझे पूछेगा अपना नाम एनआरसी में है, किसी का नाम नहीं है तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेगा और वो बॉर्डर स्टेशन में जाकर डिसाइड करेगा वो इंडियन है कि नहीं है। लेकिन इस बात को सोच के वो लोग चिल्ला रहे हैं जो ये नहीं मानेगा, हम लोग यहाँ 40 लाख लोगों का नाम नहीं ड्रॉप हुआ है या 50 लाख लोगों का नाम नहीं ड्रॉप हुआ है, मतलब ये इस एनआरसी इस फॉरेनर इश्यू को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।